नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की ओर। खुशियों और रोशनी के त्योहार दिवाली को द ओम चैरिटेबल ट्रस्ट ने गरीब बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही खुशी और प्यार से मनाया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस नारायणा क्षेत्र के SHO व इंद्रप्रस्थ संजीवनी के संस्थापक संजीव अरोड़ा भी शामिल हुए। NGO की संस्थापक रश्मि मल्होत्रा छोटे बच्चों की खुशियों में शामिल होकर उनके साथ खेलती नजर आई और बच्चों को सर्दियों में पहनने के लिए गर्म कपड़े भी बांटे। पेश है RBM न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। इस फाउंडेशन द्वारा जो ये काम किया जा रहा है बच्चों के लिए, ये इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए जो काम किया जा रहा है, ये डेफिनेटली बच्चों को कहीं ना कहीं एक मुकाम देंगे। बच्चों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे ये बच्चे आसीन होंगे। ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साथ में ओम फाउंडेशन है, इनके सारे कार्यकर्ता बड़े मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी को बधाई दूंगा। रोशनी का त्यौहार दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लेके आए। दीपों का ये त्यौहार इस बार हम दीपों से ही करेंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। और ये सभी से मेरी अपील है कि आप जो है पटाखे इस बार ना जलाएं, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। और मैं सभी से अपील करूंगा जो बच्चे पटाखे जलाते हैं उनसे कि भाई वे इस बार पटाखे ना जलाएं, इस बार दिए जलाएं और रोशनी का त्यौहार रोशनी से मनाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। द ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज हमने यहाँ दिवाली मंगल मिलन का आयोजन किया है। और दिवाली जैसे कि हम सभी जानते हैं असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर रोशनी की विजय का त्यौहार है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ओम फाउंडेशन के, जो ओम पाठशाला के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर आज 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करके इस प्रोग्राम का आरंभ किया। हमारे बीच में नारायणा विहार के SHO उपस्थित रहे और हमारे यहाँ RWA के प्रेसिडेंट भी रहे बीच में, साथ में हमारे ट्रस्ट के जो ट्रस्टी संजीव अरोड़ा जी उपस्थित थे। हम सब ने मिलकर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आज खूब आनंद किया, खूब सारे गेम्स खेले, खूब सारे बच्चों ने सुंदर सुंदर डांस प्रस्तुत किए, कविताएं प्रस्तुत की। तो इस तरह से अभी हम मिठाई खाकर और सबका मुंह मीठा कर रहे हैं। और हमारे SHO साहब ने यहाँ पर ये कहा, सब बच्चों से प्रण लिया कि कोई भी पटाखे नहीं जलाएगा जिससे कि प्रदूषण हो, और सभी बच्चों ने वादा किया है कि वो आज पटाखे नहीं जलाएंगे दिवाली पर और मिठाई से मुंह मीठा करेंगे, दिए जलाकर रोशनी करेंगे, अपनी झुग्गियों में प्रकाश लेकर आएंगे। दी ओम फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोबारा प्रेषित करती हूं। आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, RBM न्यूज इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए RBM न्यूज। नमस्कार।